पहली बार बड़े पैमाने पर होने जा रहे कोटा महोत्सव की तैयारियां हो चुकी है। इस महोत्सव में राजस्थानी कला संस्कृति के साथ एडवेंचर भी पर्यटकों को दिखाए जाएंगे। कोटा में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पहली बार कोटा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में राजस्थान की कला संस्कृति की झलक देखने को मिले और साथ ही एडवेंचर के नजारे आकर्षण का केंद्र होंगे। 3 से 5 फरवरी तक अलग अलग आयोजनों में महाराणा उमेद सिंह स्टेडियम में मनाया जाएगा। पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन 3 फरवरी को किशोर सागर तालाब के पाल पर किया जाएगा। इस आयोजन में एडवेंचर गतिविधियां भी होगी, जिनमें हॉट एयर बलून, पैरासेलिंग, वाटर स्पोर्ट, बर्ड वॉचिंग, फैशन शो, फ्लोर शो, डॉग शो, फूड फेस्टिवल जैसी आकर्षक गतिविधियां होगी। हार्दिक का प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक पर्व कोटा महोत्सव 3 फरवरी से 5 फरवरी तक अलग अलग आयोजनों के साथ मनाया जाएगा। इसका भव्य उद्घाटन महाराणा उमेद सिंह स्टेडियम में होगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस बार कोटा महोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। पहले दिन 3 फरवरी को दोपहर 12 बजे आर्ट गैलरी में फोटो प्रदर्शनी, रंगोली, मेहंदी पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उमेद क्लब मैदान में दोपहर 2 बजे फ्लोर शो होगा। शाम 4 बजे किशोर सागर तालाब के पाल पर फूड फेस्टिवल और 6 बजे चंबल माता की आरती होगी। उमेद सिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मेगा कल्चर नाइट और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 4 फरवरी को सुबह 8 बजे अबेड़ा महल में नेचर वॉक होगी। उमेद सिंह स्टेडियम में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक एडवेंचर गतिविधियां आयोजित की जाएगी। किशोर सागर तालाब के पाल पर वाटर स्पोर्ट गतिविधियां होगी और शाम 5:30 बजे 7 Under Park पर कोटा डोरिया का फैशन शो होगा। उमेद सिंह स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे कबीर खेपे द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 5 फरवरी को महात्मा गांधी स्कूल में गढ़ पैलेस तक हेरिटेज वॉक का आयोजन होगा और 7 Under Park में डॉग शो का आयोजन किया जाएगा। मेगा कल्चर नाइट में शाम 7 बजे इंडियन आइडल फेम सवाई भट्ट द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद भव्य आशीर्वादी के साथ कोटा महोत्सव का समापन किया जाएगा।